हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, और आज हम पढ़ने वाले हैं फिर से ज्योग्राफी की क्लास, जिसका क्लास सेवेंथ की चैप्टर वन, और चैप्टर का नाम है आर एनवायरनमेंट। राइट, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सो क्लास सेवेंथ की ज्योग्राफी चैप्टर वन में, जिसका नाम है आवर एनवायरनमेंट, हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले ये कि एनवायरनमेंट होता क्या है। तो अगर बेसिक इन सिंपल वर्ड्स इफ यू आई वांट टू से, देन एवरीथिंग इन आवर सराउंडिंग, एवरीथिंग इन आवर सराउंडिंग is our environment. यानी कि हमारे आसपास की हर चीज हमारी environment का एक हिस्सा है, ठीक है। हमारी environment में दो चीज़ें होती हैं, एक ह्यूमन मेड और एक नेचुरल। नेचुरल एनवायरनमेंट में माउंटेन्स, रिवर्स, ऐसी चीज़ें आती हैं, और इसमें रोड, बिल्डिंग्स, ऐसे जितने भी टॉपिक्स हैं ये आ जाते हैं इसमें। तो रोड, बिल्डिंग्स वगैरह नेचुरल्स में आते हैं। अब अगर हम ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट को थोड़ा डिटेल में पढ़ें तो हमें ये समझ में आएगा कि इसे कई भागों में डिवाइड किया जा सकता है। ह्यूमन मेड क्या एनवायरनमेंट, ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट, चलिए देखते हैं। सबसे पहले एक जो होगा वो होगा इंडिविजुअल, यानी कि जब तक वो किसी एक इंसान से या जीव से रिलेट करती है। जैसे ही इंडिविजुअल की बात आएगी, दूसरे नंबर पर उसकी फैमिली की बात आएगी कि उसका परिवार क्या है, फिर उसके कम्युनिटी की बात आएगी कि वो किस कम्युनिटी से बिलोंग करता है, फिर उसके रिलीजन की बात आएगी। राइट, फिर एक और एनवायरनमेंट की बात आएगी जिसे हम एजुकेशनल एनवायरनमेंट भी कह सकते हैं। फिर पांचवा जो एनवायरनमेंट होगा उसे हम इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट भी कह सकते हैं। अब इन सब के एग्जांपल्स दे देता हूँ। मान लीजिए ये तो बैंक हो गया है इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट वगैरह में, इसमें स्कूल्स, कॉलेजेस है ना, स्कूल, कॉलेजेस, और रिलीजन्स वगैरह में मान लीजिए कि हिंदू, मुस्लिम एट्सेट्रा, और कम्युनिटी में ये मान लीजिए कोई सोसाइटी हो गई, बिल्डिंग्स, अपार्टमेंट्स वगैरह हो गए, ठीक है। और लास्ट में आता है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में आती है कंट्रीज।
तो आई होप कि यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं बायोटिक, ए बायोटिक एनवायरनमेंट के बारे में। ये ए बायोटिक है, ऐसे ए बायोटिक। इसमें हम सारी लिविंग एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं। और इसमें हम नॉन लिविंग एलिमेंट्स की बात करते हैं, नॉन लिविंग एलिमेंट्स की बात करते हैं, एलिमेंट्स की बात करते हैं। इसमें तो आ जाते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स, और इसमें आ जाती हैं लैंड, बिल्डिंग्स एटसेट्रा। तो अगर हम एनवायरनमेंट की डेफिनेशन की बात करें तो आप ये लिख सकते हो कि द प्लेस पीपल थिंग्स एंड नेचर दैट सराउंडेड अस सराउंडेड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। इसका मतलब है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि जीवित जीव के आसपास का प्लेस पीपल थिंग्स एंड नेचर सबको मिलाकर क्या बनता है? एनवायरनमेंट। बायोटिक और एबायोटिक के बारे में भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। एनवायरनमेंट शब्द का उत्पत्ति फ्रेंच के एक वर्ड एन वाय रोनर से हुआ है, जिसका मतलब है नेबरहुड। क्या है मतलब? नेबरहुड। तो अब पढ़ते हैं आगे, और अगर हम बात करें नेचुरल एनवायरनमेंट की, तो इसमें लैंड, वाटर, प्लांट्स एंड एनिमल्स सब आते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सब नेचुरल एनवायरनमेंट है। और अब हम बात करेंगे लिथोस्फेयर के बारे में। लिथोस्फेयर के बारे में बात करेंगे तो लिथोस्फेयर को हिंदी में कहते हैं जलमंडल। और जलमंडल का सीधा सा मतलब है, नहीं, लिथोस्फेयर को कहते हैं स्थलमंडल, सॉरी स्थलमंडल। और स्थलमंडल का मतलब है पृथ्वी पर वो स्थान जहाँ पानी ना हो, जहाँ पे पानी ना हो, यही मान लीजिए ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि
लिथोस्फेयर इज द सॉलिड क्रस्ट ऑफ द सॉलिड क्रस्ट यानी कि पृथ्वी का ऊपरी हिस्सा जो कि सख्त हो और आप हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। आई थिंक अब तो आराम से समझ में आ गया होगा कि लिथोस्फेयर क्या कहलाता है, अर्थ का सॉलिड क्रस्ट या फिर हार्ड टॉप लेयर, ऊपरी सतह जो कि सख्त हो। याद रखिए सख्त कब होगा, जब पानी नहीं होगा, ठीक है। और इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड सोयल्स, ये मिट्टी मिनरल्स पत्थर इन सब से मिलकर बना होता है। तो अगर हम लिथोस्फेयर के बारे में तो हो गया, अब थोड़ा सा हम बढ़ जाते हैं आगे। लिथोस्फेयर के बाद हम पढ़ेंगे हाइड्रोस्फेयर, और हाइड्रोस्फेयर यानी कि जलमंडल। लिथोस्फेयर के बाद क्या पढ़ेंगे, वेट अ सेकेंड, अब हम पढ़ लेते हैं एक बार हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर यानी कि होता है जलमंडल। तो पृथ्वी का वह भूभाग जो जल से भरा हो उसे हम हाइड्रोस्फेयर कहते हैं, ठीक है ना। इसमें रिवर्स, लेक, सीज, ओशियन सब आते हैं। और इसके बाद आता है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर को हिंदी में कहते हैं वायुमंडल, ठीक है। और वायुमंडल के बारे में अगर बताएं तो इट इज द थिन लेयर ऑफ एयर, हवा की एक पतली परत है जो कि पृथ्वी के चारों ओर है। अर्थ के चारों तरफ हवा की एक पतली परत है जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, और ये हमें बहुत सारी चीजों से बचाती है, जैसे कि हार्मफुल किरणों से, रेज यानी कि किरणें, सोर्चिंग हीट यानी कि जला देने वाली असहनीय गर्मी जो है सन की, उससे भी ये हमें बचाती है। लेकिन ये बनी है ढेर सारी गैसेस से, याद रखिएगा, थोड़ा बहुत धूल कण और वाटर वेपर यानी कि जल वाष्प से। वाटर वेपर यानी कि जल वाष्प से मिलकर बना है ये सब। सो आई होप कि आपको लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और एटमॉस्फेयर पूरा अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम की ओर।
इकोसिस्टम क्या है, इसे हम इस तरह समझें कि इट इज फॉर्म्ड बाय इंटरैक्शन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स विथ ईच अदर यानी कि इकोसिस्टम क्या करता है कि लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमोस्फेयर इन सबको मिलाकर जितने भी जीव जंतु जहाँ रहते हैं उस हर हिस्से को हम इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है, हर वो हिस्सा जहाँ कोई जीव निवास करता है उसे हम लिथोस्फेयर इकोसिस्टम कहते हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक तो बात समझ में आ गई होगी। तो अब हम चलें आगे। एनवायरनमेंट की बात हो रही है तो एक बात और याद रखिए कि एनवायरनमेंट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है 5 जून को। एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट होता है 5 जून को, ये बात प्लीज़ याद रखिएगा। हो सकता है कि पूछ ही ले एग्जाम में, तो देखिए जितने भी प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स तो सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, इंटरडिपेंडेंट रहते ही हैं। और इस रिलेशनशिप को, चलिए मैं लिख ही देता हूँ, द रिलेशनशिप बिटवीन रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स कि ये सब आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। फॉर्म एन इकोसिस्टम, यानी कि ऑर्गेनिजम्स और उनके आसपास की सारी सराउंडिंग्स के बीच जो रिश्ता होता है वो एक इकोसिस्टम क्रिएट करता है, बनाता है। ठीक है, तो अब हम बढ़ें थोड़ा सा और आगे और एक बार फिर हम चलते हैं ह्यूमन एनवायरनमेंट की ओर। तो बड़ी जल्दी जल्दी चेंज होता जा रहा है और हम इसे मॉडिफाई करने में बहुत एक्सपर्ट हो गए हैं। अब ये कैसे, मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए सबसे पहले हमने छोटे छोटे पत्थरों से शिकार करना सीखा, हमने हंटिंग सीखी, फिर हमने फार्मिंग सीख ली। और जैसे ही फार्मिंग सीख ली तो फिर हम सेटल होना सीख गए, यानी कि घर बनाना, रहना, एक ही जगह रहना सीख गए। और हमने खेती तो शुरू कर ही दी है, सेटल होना शुरू हो गया है और धीरे धीरे हमने डोमेस्टिकेशन करना शुरू कर दिया है।
डोमेस्टिकेशन करना शुरू कर दिया है, जीव जंतुओं को पालना शुरू कर दिया है, ठीक है। और जीव जंतुओं को पालने के साथ ही उसके बाद हमने इन्वेंशन शुरू कर दिए। इन्वेंशंस कैसे इन्वेंशंस, जैसे कि फायर की, आग की खोज, उसके बाद व्हील की खोज, इन सब चीज़ों ने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन लेकर आ गए। हमने बार्टर सिस्टम स्टार्ट कर दिया, एक दूसरे से सामान लेन देन करने लग गए। और बार्टर सिस्टम ने क्या किया कि पूरा का पूरा कॉमर्स जो ट्रेड है वो स्टार्ट कर दिया। तो इस तरह से हमारी जो एनवायरनमेंट है वो चेंज होती गई होती गई होती गई, और आज की डेट में हमारी जो एनवायरनमेंट है वो काफ़ी डायनेमिक है। बट एक बात याद रखिए कि ह्यूमन एनवायरनमेंट और नेचुरल एनवायरनमेंट दोनों ही बहुत ही इंटरडिपेंडेंट हैं, यानी कि एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। हम जैसे ही कभी भी नेचुरल एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब करते हैं तो नेचुरल डिस्टरबेंस की वजह से क्या होता है कि फ्लड आने लगता है, और पॉल्यूशंस बढ़ने की वजह से नई नई बीमारियां शुरू हो जाती हैं, तो फिर से ह्यूमन एनवायरनमेंट इफेक्ट होने लगता है। तो इसीलिए हमें ये बहुत ही सोच समझ कर चलना होगा और ये करना होगा कि हमें एक बैलेंस बनाकर काम करना होगा, ताकि हम ह्यूमन एनवायरनमेंट और नेचुरल एनवायरनमेंट के बीच एक बैलेंस बनाकर आगे बढ़ सके, ठीक है। जिस तरह से हम पेड़ पौधों को काटते जा रहे हैं, उसी तरह से हमारी हमें नई नई बीमारियां होती जा रही हैं, क्योंकि हमें फ्रेश ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। और इसी के साथ आपका चैप्टर जो है वो समाप्त होता है। तो मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए बढ़ते रहिए। आई होप कि ये चैप्टर आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिएगा।